जो किसानों ने लड़ाई लड़ी सर, पंजाब का ना किसान ना सरकार और ना हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सब किसानों को एक बार फिर आंदोलन में ना बिठाइए। श्रीमती हरसिमरत कौर जी, शुक्रिया सर। सर, सारा सदन बहुत अच्छी तरह से जानता है कि पंजाब को ग्रैनरी ऑफ द कंट्री इस करके कहा जाता है क्योंकि पिछले 70 सालों से सबसे ज्यादा वीट और राइस का योगदान हमारे देश के अन्न भंडार में पंजाब से आता है सर। और सर, पंजाब के किसानों ने पिछले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन जो सारे देश में देखा, जिसमें 700 किसान शहीद भी हो गए सर। सर, जब वो आंदोलन 9 दिसंबर 2021 को जब खत्म करने के लिए सरकार ने किसानों को कहा था कि हम ये कानून वापस लेते हैं, तो जो चिट्ठी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने किसानों को दी थी उसमें क्लियरली कहा था कि एक नंबर वन पॉइंट था कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसका मैंडेट ये होगा कि देश के किसान को एमएसपी मिलना किस तरह सुनिश्चित किया जा सकता है। ये नंबर वन पॉइंट था और ये उनका नंबर वन एजेंडा था कि हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमें एक लीगल राइट दिया जाए। लेकिन सर, हैरानी की बात यह है कि ये 12 तारीख को इस महीने में ये एक गजेट निकला है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में से, जिसमें से वो सारा कुछ उड़ा के सिर्फ एक बना दिया गया है टू मेक एमएसपी मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। और इस जो कमिटी जो बनाई जा रही है इसको करने के लिए, पहले तो सुनिश्चित को छोड़ दिया सिर्फ ट्रांसपेरेंट करने के लिए, इसमें चेयरमैन वही उनको बना दिया एग्रीकल्चर सेक्रेटरी जो वो तीन कानूनों के आर्किटेक्ट थे, उनके साथ नीति आयोग के मेंबर जिन्होंने ये काले कानून लेके आए। उसके बाद सर, जो फार्मर रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने लिखे हैं 5 जने, जो मिस्टर गुनी पाटिल, वो बीजेपी सारे भाजपा के साथ संबंधित, एक एमएलसी बीजेपी का महाराष्ट्र से रह चुके, कृष्णवीर चौधरी बीजेपी को ज्वाइन, ओके सर, नाम छोड़ दे, जो 5 नाम नहीं, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा कोई नाम, सही है, रिपोर्ट का हिस्सा है। जो 5 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फार्मर्स हैं, ये वही हैं जिन्होंने वोसिफ और असली इन कानूनों के हक में देश में पूरा शोर मचाया था कि इसके हक में खड़े हैं, उनको डाल दिया सर। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सर, जम्मू की यूनिवर्सिटी डाल दी, जबलपुर की डाल दी सर, स्टेट गवर्नमेंट कर्नाटका का, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा, लेकिन जो किसानों ने लड़ाई लड़ी सर, पंजाब का ना किसान ना सरकार और ना हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सर किसानों को एक बार फिर आंदोलन में ना बिठाइए। ये सरासर जाति हो रही है पंजाब के साथ।